मेरे सरकार ठव निजवा मृग सरकार, जैसे सूर्य प्रकाशित होता है अंधकार छट जाता है, मेरे प्रभु जब खड़े हुए नगर के सभी नर नारियों ने अपने अपने पुण्य सरकार के साथ लगा दिया। सुनेना माँ पुत्रवत ममत्व रखती है सखी, जो देखने वाले लोग आए ये छोटे से राजकुमार को इतना विशाल धनुष देंगे, महाराज को कोई समझाता क्यों नहीं। एक चतुर सखी ने समझाया, सखी तेजवंत को लघु नहीं मानना चाहिए, तेजवंत लघु गनी है न रानी। कामदेव ने पुष्प के धनुष को साध करके धारे धरती को वश में कर लिया था। सूर्य का छोटा गोला सारे जगत को प्रकाशित कर देता है। मदवत हाथी को अंकुश वश में कर लेता है। छोटे से मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव रहते हैं। अरे धीरज रखिए, कहां अगस्त्य जी समुद्र पी गए, कितने छोटे थे। अब सीता मैया गणेश भगवान का वंदन करती हैं, हे बाबा गणनायक वरदायक देवा आजु लगे बार बार बिनती सुनियो बार बार बिनती सुनियो करो चाप करुता रति थोरी करो चाप करुता रति थोरी। माँ ने गणेश भगवान से मांगा, पिताजी के प्रण पर थोड़ा स्मरण गया, कोई समझाता क्यों नहीं। हे धनुषदेव माँ शरणागत हैं, मैंने आपकी बड़ी सेवा की, अपनी सब गरुता जितने लोग बैठे हैं सभा में सबके सिर पर डाल दीजिए, भगवान स्पर्श करें तब तक हल्की हो जाइए। माँ प्रेम मंत्र का जप करती, जेहि के जेहि पर सने हो सोते ही मिले समझे प्रभु तन चिते तिन तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सिए ही पिलो की तक भूधन कैसे चिंतव करूतव करू लघु। लक्ष्मण जी ने देखा भगवान धनुष को उठाना चाहते हैं, मंच पर खड़े हो गए, पुनः दबाया है पूरे ब्रह्मांड को, धरती संभालिएगा कक्ष 12 सावधान, भगवान धनुष को उठाना चाहते हैं कहीं धरा न हिल जाए उठ जाए सावधान। लक्ष्मण जी धरे, सब लोग मंच पर खड़े लखनलाल को देख रहे हैं। भगवान धनुष देव के पास पहुंचे, शिव का पिनाक, प्रभु ने शिव जी को प्रणाम किया, इष्ट देव का धनुष है, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम किया और माँ के भाव को समझकर भगवान ने धनुष के मध्य में कर को रख दिया और इतनी तीव्रता से भगवान ने हाथ रखा, हाथ रखते ही धनुष हाथ में आ गया। Hey, 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 hey,
छोर से तोड़ा, न उस छोर से तोड़ा, धनुष को ठीक बीचों बीच तोड़ा, इसलिए बाबा बोले न धरा पर न आकाश में, दोनों के मध्य में तोड़ा, इसलिए बाबा बोले भरे भुवन घोर कठोर रव रविराज तक। सूर्य भगवान दर्शन करने आए थे, हो धनुष यज्ञ का घोड़े घूम गए, देवताओं ने कान बंद किया, क्या भया बाबा कहते को दंड खंडे राम, इसलिए बोलिए रामचंद्र भगवान की को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन। सब तरफ हलचल भई भैया, भगवान में कोई हलचल नहीं। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लो भुवन भई जय जय भुवन जय धनुष भंग धुनि जातन जानी, धनुष भंग धुनि जातन जानी, मुदित कह रहे बंजउ राम शंभु धनु बारी। शतान जी महाराज ने कहा सखियों से, बेटी जयमाल डलवाइए। सखियां लेकर गईं, सरकार थोड़े बड़े हैं, मैया छोटी हैं, सरकार की झांकी है, देखिए सखियां मनाती हैं। बोलिए जुगल सरकार की जय, रघुबर उर जयमाल देख देव पर सही सुम सकुचे सकल जनु मिलो की जब भगवान के कंठ में जय की मार देख करके सारे राजा संकोच में हो गए, सकुच गए। जैसे सूर्य नारायण भगवान के आने पर कुमुदनियाँ संकुचित हो जाती हैं, वैसे राजा भी सकुचाए गए हो। और वहाँ मिथिला के दिव्य प्रांगण में पुर अरिव्योम बाजने बाजे पुर हल भय मलिन साधु सब राजे, हल भय मलिन साधु सब राजे, नारे गावे विपुल दप धोती, नारे गावे विपुल दप धोती, बार बार कुसुमांजलि बार बार कुसुमांजलि कहता वेद वेद धुनि चरही भरने विरदावली अब
जयमाल भगवान के कंठ में देवगण वृष्टि करते हैं, पुष्पों की धरती पर वाद्य बज रहे हैं। सुनैना मैया के पास प्रणामोपरांत सखियाँ ले गई माँ को। प्रभु गुरुदेव भगवान के पास आए। आगे की कथा हम लोग कल गान करेंगे, भगवान परशुराम जी का आगमन और विवाह की मधुर झांकी। आज की वेला को यहीं विश्राम देते हैं।